कुछ आखे पावे जग सारा मेरे दिल का शासलतान है तू नानक नाम रख के जग बिच आया मेरा कादर करीम रहमान है तू जे कोई मेरे दिल तो आन पूछे मेरा दीन ते सिदक ईमान है तू तेरे जहाना तेरे जहाना मिठा दरबार सिंगा मेरा नूर खुदा दी शान है तू मेरा नूर खुदा दी शान है तू मेरे सतगुरां दा स्वरूप गुरु संगत नूं बेनती है चरणा च लाओ ते आग्या दिओ आपा पहला रशना पवित्र करिए गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो अज आपा ने इतिहास प्रारंभ करना ये ज्यादा दर्दनाक है बहुत कहर भरे है ये उन्हां समयां दीआं विचारां करांगे आपां जद कश्मीरी पंडतां ने गुरु तेग बहादुर जी नूं आके कहा आनंदपुर साहब उन्होंने आवाज आई अमरनाथ के मंदिर विचों ऋषियो जे हिंद धर्म बचाने नौमे गुरु को ले जाओ उन्होंने आके बेनती की नौमे सतगुरु इन्होंने कहा असी जुम्मेवार हिंद बचाने के गुरु नानक की जोत सी नौमे औरंगजेब के अंदर सी भई ये कले नूं मैं जे बना ला सारा हिंदू बैन मुसलमान बन जे इन्हां दे ब्रंट कट्टे इन्हां नूं सदा घल्लिया गुरु तेग बहादुर महाराज जी आगरे दे वल दिल्ली लंघ के गिरफ्तार हो गए एक इयाली दे यानी इशारे तो गिरफ्तार होण वेले महाराज दे नाल पंज रूहां सी मती दास सती दास दयाल दास एक सी भाई उदय जी और एक बाबा चैता जी जीवन सिंह बनिया जेड़ा जैते की उम्र उदो सारी 20-21 साल की सी सतगुरु नौमे पातशाह प्रेत हवेली च बंद करते पर प्रेत मुक्त हो गया उन्हें लिया के गन्ने महाराज की भेटा किते रात नूं ਉਹ ਛਿਲਕ ਚੂਪ ਕਈ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਵਾਲੀ ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਕਤਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਹਿਰੇ ਸੌ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਸਾਹਮਣ ਦੀ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ 57 ਸਲੋਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਅਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਚ ਨੱਟ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਰਾ ਧਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਆਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਜਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਰੋ ਆਰਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਆਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ
कर दो तीरे मैं खुश हां। इथे बड़ी महंगी जी कविता आवेगी, करबट नहीं पाउंदा मैनू करबट मंजूर है। करबट तो कहंदे ने पासा घुमा देना, मेरा पासा ना घुमाओ करबट नहीं पाउंदा मैनू करबट। कहंदे ने आरे नू, कहंदा आरा तो मैनू मंजूर है पर मेरा मुंह इधर ना करो गुरु दे पिंजरे वल करके मैनू चीर दो। मती दास कहंदा है गहरे शब्द होणगे करबट नहीं पाउंदा मैनू पासा ना पवाओ करबट मंजूर है। आरे नाल चीरो मती दास दा बयान पहला गुरु तेग बहादुर महाराज दे चरणा च कुतबाली च क्यों आ रहा सी। सहज की मती दास गरज के सब नूं फरमाउंदा है मुर्शिद नाल पाक मोहब्बत मौला नूं फाउंदा है। समझो ना खेल खुदा नो, समझो ना खेल खुदा नो, मक्का बड़ी दूर है करबट नहीं फाउंदा मैनू करबट मंजूर है करबट नहीं पाउंदा मैनू। हो वारा तर चीरो मैना बिलकुल शर्मायो ना पिंजरे बल रखियो मेरा मुखड़ा पमायो ना। सतगुर दा दर्शन मैनू, सतगुर दा दर्शन मैनू चाहरे सरूर है करबट नहीं पाउंदा मैनू करबट मंजूर है करबट नहीं पाउंदा मैनू। हो यारे दा दर्द ममूली खुशियां दा ओर नहीं है मेरी अनमुली वस्तू जी दा कोई जोड़ नहीं तुरदा तर सीस तली ते तुरदा तर सीस तली ते मुद्दो सतूर है करबट नहीं पाउंदा मैनू करबट मंजूर है करबट ना पावे मैनू। ओ समस दी खाली उतारी कहंदा क्या बात है दुनिया ते रोशन करती इश्क दी जात है। ऐनर हक बोले सूली ऐनर हक बोले चढ़ के सूली मंसूर है करबट नहीं पाउंदा मैनू करबट मंजूर है करबट नहीं।
आरा भी चल रहा सी बाणी भी चल रही जप जी की फिजा बाशना पौना बिच रल रही आदे ने आरा भी चलता सी ते पानी भी चलते सी जद थले नू आरा उतरिया आखरी समा भी आ गया फाड़े दो डिगे धरत ते एक उधर डिग पिया एक उधर डिग पिया फाड़े दो डिगे धरत ते आदे इनिया खुशियां गुरु तेग बहादुर साहब पिंजरे विचो कहंदे ने मती दासा तेरा धन्नवाद आवाज गुरु तेग बहादुर जी का आया इतिहास अगे थोड़ा जा दर्दनाक है मैं बेनती करा इसे मजबूरी विच उन्होंने भाई दयाल दास नू देग चो उबालता तीजे सती दास नू रूई च लपेट के अग लाती एक पुतबाली विच होया सारा बाका गुरु तेग बहादुर पिंजरे च बंदा उन्हां दीआं अखां दे सामने भई इह घबरा जाण औरंगजेब कहिंदा इह खाणा खा लैण सारी हिंद बैण मुसलमान हो जाऊगी फिर उहने तरीक पाई जिहड़ा जमुना दे किनारे ते लाल किला है ओदे अंदर जालमां दा दरबार है अजे भी उत्थे रक्त बरसदा भय आउंदा है ओदे विच गुरु तेग बहादुर जी नू हाजर कर लिया औरंगजेब कहिंदा महाराज एक बेनती है थोड़ा दीन कबूलिया सारी धरती ते शाजूगा आ हिंदुस्तान थोड़ा जे जिन्ना बल है ब्रह्मा चीन जापान जानी जिन्नी भी धरती है सारे मुसलमान है कोई ईसाई है कोई यहूदी है कोई पारसी है आ ममूली टुकड़ा हिंदुआं दा इहदे विच भी अद्धे असीं मुसलमान इक हो जूगा मुड़ के झगड़ा खत्म हो जू गुरु तेग बहादुर जी नूं दरबार विच खड़ा के तलवारां दी शामे औरंगजेब बोलूगा ओ कविता सुनो वीरां तो कहिंदा औरंगजेब इस्लाम कल्ला रहू धरती ते होर कोई दीन नहीं रहूगा धरती इह पाक पवित्र हिंदुआं दा कोई दीन धर्म नहीं थोड़े असीं इक आरे नाल पाड़ता इक डेगा च उबालता ना थोड़ा राम आया ना थोड़ा कृष्ण आया साडे तां मुहम्मद साहब बंदे दी रूह नू बहिश्ता च छड के आउंदे है थोड़ा दीन है गलत तुसीं दीन कबूल लो अलजाम खत्म ने हथकड़ियां खोलियां जाणगियां आनंदपुर जाओ बग्गियां च बह के मोमना दे पीर बन जो भला भी औरंगजेब उस लाल किले दी चंडाला दी कचहरी विच जिथे काजी मुल्ला किताबां लई बैठे सी उहनां दे सामने जो बयान बोलदा औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी नूं सुणो इउं बोलदा सी औरंगजेब तूफान मरान गवान भरिया बोले नौवे सतगुर उत्ते जालम कुहर खड़ा बोले मदीना जी हजरत साहब मुहम्मद जी दा सुसरा सीना जी हजरत साहब मुहम्मद जी दा सुसरा सीना जी ਲਾਏ ਸਲਾਮ ਰਹੋ ਹੋ ਚੁੱਪ
कृष्ण गुरु नानक असि आया कल परसों ते साडा राज दिल्ली ते थोड़िया बहुआ बेटिया का मुल सवा सवा रुपया तुहाडी कोई इज्जत मुसलमान बनो तुसी मैनू नहीं जानते आदे हंकार भरे जदों ने शब्द बोले ना औरंगजेब ने फिर महाराज कहंदे औरंगजेब तेनू जान दे आसी आ देखो हिंदू भैन दे राखे ने जेड़े ओदे तीन सेवक सामने शहीद करे उन्हां दी तैयारी है कहंदे की ने ओ आदे औरंगजेब तू आदे मैनू जान दे नहीं तेनू कहंदे कौन नहीं जानदा ठोस शब्द कहे नौमे सतगुरु ने घबराए नी आदे औरंगजेब जेड़ा बंदा अपने सके भरावां नू कतल कर देवे ऐडा चंडाल तै दारा सकोर मुराद नू अपने भाइयां नू तै राज पिछे कतल कीता पर उन्हां दे हंके मां जाए नू कतल करन वाला कोई इंसान है महाराज कहंदे तैं संत महात्मा सरमद नू रब वर्गी मूर्त नू कतल कीता तू कबरां च जाके हौंके सुन कन्न ला के अपने आप च बड्डे कहंदे भैणा भाइयां दी इंतजार मरन तक करदियां हुंदियां ने मेरा भरा आऊगा ओ तै तेरी भैन जहां आरा ने ऐ कहता भाई तै माड़ी गल कीती भाई कतल कीते भैन नू तै जेल च देता ऐडा तू बहादुर ओ कहंदिया धन ओ मां दिया जाया महाराज गुरु जी कहंदे इक तेरी सब तो वड्डी बहादुरी ओ जेड़े पिता ने तेनू जन्म दिता पालिया गोदी च खलाया शाहजहान जेल विच उतो बच्चे पढ़ाए पानी तो प्यासा मरिया शहनशाह कहंदे असी घबराउंदे नहीं तू जो मर्जी कर पर तेरी आ करतूत है ऐन काजी मुल्ला मलारिया दे सामने जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज जी ओदे हिरदे दे उत्ते अग्नि भड़काउंदे है निजर पर पद नाल अवतारी पद नाल ओ सुनो गुरु तेग बहादुर जी इउं कहंदे सी हो गुरु नानक दी जो बोली दिल्ली दरबार लै के जावेगा किनारे ओसा मौला दे द्वार अन्ना कीता कीता तैनो हमीदे गरूर कलमे पढ़ना पढ़ना है सानू है नी मंजूर कल में पढ़ना पर
तो अपने बड़े भरा का सिर बंध के थाली च रख के पिता जाके जेल च कहना उत्ते रुमाल है। कहना पिता जी मैं सौगात लेके आया थोड़े वास्ते। पिता ने कहा मेरा पुत्र है फिर भी मैं भावे कैद करता कुछ लेके आया होगा। और बेटा औरंगजेब की है? कहना आपे चक जरा कपड़ा थाल दे विच सिर है डारा सुकोदा। जद शाहजहान ने ना उत्तो कपड़ा चकिया विच देखिया अपने पुत दा सिर बड़े दा आदे ने दुहाई दे दिया दा वे तोबा औरंगजेब नहीं रहेगा धरती से बर्बाद होके जामेगा। महाराज ने सारिया साफ करतिया मच गया सने कपड़े अग लागी औरंगजेब नूं। कहिंदा चंगा जी ऐ करो कल नूं चांदनी चौंक च खड़ा के सारी दिल्ली दे सामने थोनू कतल किया जाऊगा। महाराज कहिंदे मंजूर है कुछ बाली च लिया के बंद करते। जिहड़ा चांदनी चौंक है अज तां उत्थे दिल्ली आ उदो दिल्ली नहीं सी। उदो एक रास्ता हुंदा चौराहा उत्ते हुंदा एक बोर्ड थले हुंदी खूही पानी आली राही जल पींदे हुंदे। उत्थों दखण पहाड़ दी साइड ते डेढ़ कु मील सिर्फ लाल किला इक पछों दी बल कुतवाली नहीं उत्थे कुछ नहीं सी। उसी ग्राउंड खाली बहुत बड़ा। औरंगजेब कहिंदा कल नूं ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬੋਲ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਆਦੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੌਮੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੇ ਜੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ मुसलमान अपने गलड़े लेके अगे आके बह गए। ते फिर आगे ने दुनिया की नजर कुतवाली वाल चार पांच किले है पछों की तरफ दुनिया कुतवाली वाल झाके गुरु जी उथों निकलने गए। आज फिर ना तलवारा दिया शामे जब गुरु जी नू जेल विचो कढ़िया ते हस्कड़िया लगिया तोरी आंदे ने रब दे नूर नूं अज फिर लिया के ओ बोर्ड थले एक बनाया सी थड़ा जाओ दे उत्ते बिठाते बैठो। हंकार भरिया औरंगजेब हाथी ते खड़ा चढ़िया खड़ा आज है जलाद ते जलाद समाने दा सी जलाल दीन समाणे नूं बंदे बहादुर ने जिहड़ा थे कीता है मेरे पिंड दे कोले आ अजे भी भूतां वरगा डर आउंदा है। ओ समाणे दे छोटे साहिबजादियां ते वार करन वाले भी समाणे दे सी सासल बेग ते बासल बेग जलाल दीन भी उथों दा सी। ओहदे कोले बहुत भारा खंडा ते सतगुरु अडोल बैठे है बरताओ भाणा हिंद ज्योंदी कर दिए अकाल पुरख दे दर ते इना दा नामा निशान मिटा देंगे। अजे ओ हंकारी खंडा घमाउंदा आया जलाल दीन पत्थर दिल जद महाराज ते पार कीता सतगुरां दा पवित्र आशीष ता पहले ही उत्ते नूं उठ गया ते फिर कणक के थले आ गया नाले आवाज आई औरंगजेब दोजक दी तैयारी कर ले। जद सतगुरां दा शीश थले धरत ते आ डिगया हाथी ते खड़ के औरंगजेब कहिंदा हिंदुओ नीमा मुंह करके चले जाओ मुसलमान बन जो नहीं आ हाल सब दा होवेगा। औरंगजेब कहिंदा जिहड़ा इस पवित्र धड़ नूं जां शीश नूं चकूगा ਉਹਦਾ ਨਾਮਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਮਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊ। ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਬਈ ਹਿੰਦ ਕੇ ਪੀਰ ਦਾ ਆ ਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ
कौड़े शब्द बोल के हाथी छेड़ के ले गया। एक सैड से तो भाई उदय जी खड़े ने जिन्हां नूं हुक्म सी तू धड़ दी संभाल करी, एक सैड से बाबा जैता जी खड़े ने। हुण जैते दा 21 साल की उम्र सिर तो पैरां तक सोने की गंदल वर्गी देही अरदासा करदा, कहिंदा गुरु तेग बहादुर जी इत्थे सैकड़े पुलिस नंगियां तलवारां लई खड़ी है, जे मैं हुण तुहाडे पवित्र शीस नूं उठाया मैनूं शहीद कर देणगे 2 मिंटां च, पर मैं शहीद हो जा कोई खतरा नहीं। जिहड़ी तुहाडी ड्यूटी है वी साडा शीस आनंदपुर साहिब पहुंचाउणा है, माता गुजरी जी नूं तुहाडे दर्शन कराउणे ने, तुहाडी माता गुरु तेग बहादुर दे माता दादी नानकी जी भी जोड़े सी उन्हां नूं दिखाउणा है। महाराज मैं थोनू पहला कहा सी थोड़े शब्द बोलने कठिन ने, आओ सुनो अगे दा विचार। जैता कहिंदे आखर जे तुसी कोई स्कीम बनाओगे, नौवें गुरु नूं कहिंदे अरदास करके तुसी कोई स्कीम बनाओ मैं शीश चक्कर च सफल हो जा, लै जा आनंदपुर, मेरी लाई सी ड्यूटी सच्चे पातशाह मैं फेर ना हो जा, मैनू जिंदगी की लोड़ नहीं, मैनू सेवा निभाउण की लोड़ है। कहिंदे इक चरण ते खड़ गया भाई जैता जी, फिर अरदास पहुंच गई सचखंड। होया कि एक आदे पहाड़ वाली साइड तो लाल लाल रंग की हनेरी उठी, तूफान इन्ना चंद्रा तूफान उठा। हुण ओदियां विचारां सुनो, धरती अंबर हलाउंदा तूफान आउंदा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने रचना रचती। जिहड़े पुलिस मैन सी चक चक के मारन परौड़े हवा दे, ओ आ गया भज्जो कुतबाली जा बड़ो जाना बचाओ, महल ढेले आउंदे है, दरखत टुटदे आउंदे है, भई जैते दी अरदास दा नजारा देखो, ऐन ग्राउंड खाली। आओ आ कविता सुनो, उधर लखी शाह बनजारे दे गड्डे आ गए चूने दे, नाले तां उदय जी नूं मौका मिल गया भई नाले बाबा जैता जी नूं अरदास सुनो सिख दी। भाई जैता जी को कोने ते खड़े अरदास करदे ने, महाराज मेनू पंत बना के राह दसो, जेड़े राह मैं आनंदपुर साहब नूं तुर जा। भला जैता जी इओ कहिंदे सी, हो जैता फर याद करे मैनू रटा मौत दा डर ए रस्म पुरानी है पैंदा शीस तली ते मंजूर वचन तेरा सिर तर कली कली मोरिया अरदास करे जैता दाता नजर मेहर दी पाओ मेरी ड्यूटी लाई सी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਆਦੇ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚੜੀ, ਪਰਬਤ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲਾਤੇ, ਪੋਸਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁੱਕੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਗਰਾਉਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ, ਰਸਤੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ, ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਰਾ ਉਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਉਦੇ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਚੂਨੇ ਚ ਦੇਤਾ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਰਕਾਬ ਗੰਜੋ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਲਜਾਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਆਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੱਚਦਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨੋ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਦੇ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਰਾਂ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਕੀ? ਉਹ ਆਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਖੰਡ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਘੋਰ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਕਲੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਸੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਰਾਤ, ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਬੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੋ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਤੁਰਿਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੈਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦ ਬੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਜੈਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਕਲੀ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ। ਇਉਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਲੀ ਤਰ ਤੋ।
ਕਲੀ ਦਰ ਤੁਰਦਾ ਮੱਤਾ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕਰਾਈ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਰਚਣੇ ਹਾਰੇ ਦੇ ਸੁਣੀ ਰਚਣੇ ਹਾਰੇ ਦੇ ਯਾਦ ਰਹੂ ਜਗ ਜੈਤਾ ਜਬ ਤੱਕ ਚਾਂਦ ਸਤਾਰੇ ਨੇ ਆਪੇ ਖੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂਰ रात रात 60 किलोमीटर बागपत शहर है दिल्ली तो 60 का भी 70 किलोमीटर होगा। रात रात उजाड़ा बिजली दिन चढ़ते रू बागपत पहुंचा। बागपत तो आके जमुना दरिया फेर पार कर लिया, फिर वो छिपरी शहर हो गया जिथों की हूं रोड बने है। उथो आया जानी बागपत तो सोनीपत तकरीबन 22 मील है। सोनीपत तो आके उन्हें रास्ता 60 किलोमीटर पानीपत पहुंचा। पानीपत तो 30 किलोमीटर एक शहर है तरौड़ी। देखो कमाल, 4 बजे दिन दे पवित्र शीश उठा के सारी रात चलिया, सारा दूआ दिन चलिया। आदे ने रात दे 9 बजे 200 मील बात करके तरौड़ी शहर च आ गया। तरौड़ी च हुण सोचदे पैर सुज गए, भुख ने तंग करता, कदम पटिया नहीं जांदा। रात फिर आ गई मूहरे तरौड़ी विच आ पड़िया। कहिंदा बुकड़ विच सतगुरां दे पवित्र शीश नूं, सच्चे पातशाह हुण भी कोई कृपा करो ना, तो मैं नींद बिना सरे मैनू, ना भोजन छके बिना सरे। बच्चा बच्चा मेरा वैरी है, जे मैं फड़िया गया मेहनत रत्त होजू। हुण तुसी रहमत करो, मैनू तां नहीं पता, एक सामने मकान सी उहदे मूहरे खड़ गया, सतगुरु जी मैं ए मकान वालिआं नूं आवाज देवांगा, मैनू नहीं पता है मुसलमान ने ए हिंदू ने, ए अपने ने पराए ने, इहनां दे विचों गुरु तेग बहादुर जी थोड़ी आवाज आवे। अरदास करके ओ तरौड़ी दा गेट हलाता। इतिहास कहिंदा है देवा राम धोपी दा घर सी ओ, धोपी बुढ़ा, रात दे बजे 9, किसे मंजी च पे है। ओदी लड़की दा नाम दस्या इतिहास ने बीबी कम्बो। कम्बो 18 साल दी। जद जैते ने गेट हलाया, मकान बालो गेट खोलो, ओ बीबी आ जी आवाज तानी सियाण चाया कौन है, पर कोई आवाजा दिंदा मैं गेट खोलना। ओने भज के आके गेट खोलिया, पिता मंजी च पिया देख रहा है। आदे जद जैते ने देखा ना भी बीबी आ गई, कंब गया। मैं 20 साल दा, ए बीबी 18 साल दी, इनू मैं की दर्द दसा। साडा तो उई जोड़ नहीं, ते जे मैं कहा मैं रात कटनी है, मैं रहना है, कोई बंदा होवे मैं दर्द सुनावा, ये लड़की नू मैं की सुनावा। फिर आजे जरा बुक्कल विच सी सी ओनू कहिंदा महाराज रमो इन्हां च। ओ लड़की च गुरु तेग बहादुर दी आत्मा समा गई।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੰਗਲ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਖੜਾ ਉਹ ਆਦਿਓ ਵੀਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਗੇਟ ਖੁਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ। ਜੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਊ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਦੀ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਧਰਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਦੂ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਭੈਣੇ ਬਣਦੀ ਏ ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਬਾਬੇ ਜੈਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਵੀਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ, ਦੱਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਈ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਇਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾ, ਇੱਕ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਆਦੇ ਪਾਗਲਾ ਮੰਗੂ। ਭੈਣ ਚਿੰਬੜ ਗਈ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਆਸਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਤਾ। ਆਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਤਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ